नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज का हमारा टॉपिक है राइनो ऑब्जेक्ट। आज राइनो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। राइनो ऑब्जेक्ट की मदद से हम कोई भी अपना एक 3D बना सकते हैं। 3D मान लीजिए हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, लाइक मैं लैपटॉप बनाना है, मोबाइल बनाना है, चेयर बनानी है, मतलब कोई भी चीज़ बनानी है 3D में, हम उसको राइनो ऑब्जेक्ट की मदद से बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राइनो ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो राइनो ऑब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था कि राइनो एक नग्ड मॉडलिंग 3D सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होता है। ठीक है, राइनो में हम राइनो ऑब्जेक्ट जैसे 2D लाइन, कर्व, सर्कल, आर्क, बॉक्स, इन सब चीज़ों की मदद से अपना हम कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। राइनो के अंदर बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल एवं सटीक होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह का मॉडल इसके अंदर बना सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल सीखेंगे और कैसे मॉडलिंग करते हैं डिटेल में कुछ चीज़ें भी सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट काम क्या होता है कि प्लेस होल्ड करना, कौन सी चीज़ आपको कहाँ बनानी है उसके लिए प्री प्लानिंग करना। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन बनाऊँ वो यहाँ से होते हुए यहाँ से आते हुए फिर ऐसे 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 बने, तो मेरे को अपना सारे पॉइंट सेलेक्ट करना है और जाके इस पर क्लिक कर देना है। ये पॉइंट लाइन, टू पॉइंट्स, ओके, देख रहे हैं मैंने जहाँ जहाँ पॉइंट होल्ड किया था वहाँ पर एक लाइन बन गई है। ठीक है, हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारा अगला ऑब्जेक्ट है लाइन। देखिए ये लाइन, आने वाले क्लासेस में हम लाइंस के बारे में और सारे इन पूरे टूल्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये लाइन होता है और ये है पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन क्या होता है कि एक से ज़्यादा लाइन आपस में ज्वाइन होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो आपको दी जाएगा ये बहुत सारी लाइनों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया लाइन और ये हो गया पॉइंट लाइन, और हमने पॉइंट देख लिया है ये। ठीक है, अगला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कर्व। होता है कर्व, ये कर्व बहुत काम की है। जब आप ऑर्गेनिक मॉडलिंग करते हैं ये बहुत काम आता है हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्ट है सरफेस। देख रहे हैं आप ये सरफेस, अगर आपका सरफेस इस तरह दिख रहा होगा तो आप यहां से उसको कर सकते हैं सेडेड मोड में, आपको पूरा दिखने लगेगा तरीके से। ठीक है, सरफेस पे क्या होता है, कोई थिकनेस नहीं होती। अगर हम इसको जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और देखते हैं तो इसमें कोई थिकनेस नहीं है, देख रहे हैं आपने ये। जबकि जो हमारा पॉली सरफेस होता है, पॉली सरफेस बनाता हूँ यहाँ मैं एक, तो इसमें देखिए आप थिकनेस पूरी है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना आप ये। तो सरफेस और पॉली सरफेस में अंतर यही होता है कि उसमें पॉली सरफेस में कोई थिकनेस नहीं होती है, जबकि सरफेस में थिकनेस, सॉरी पॉली सरफेस में थिकनेस होती है जबकि सरफेस में थिकनेस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सरफेस है, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ सर, मैं इसको ना थोड़ा काट देता हूँ बीच से, मैं इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ। ये हमारा हुआ ट्रिम्ड सरफेस। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्ट होता है मेस पॉली सरफेस। मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको मैं आपको मैं दिखाता हूँ मेस पॉली सरफेस क्या होता है। देखो मैं इसको मेस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट मेस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा ये पॉली सरफेस है और ये मेस है।
ये सारे हमारे पॉली सरफेस हैं जो इसके अंदर हैं। बट ये जो ये हमारा पॉली सरफेस नहीं है, ये हमारा है क्लोज सरफेस। ये हमारा ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस इसलिए है कि ये सिंगल है और चारों तरफ से बंद है। मतलब हम बनाते हैं टोरस, बनाता हूँ टोरस। ये भी हमारा सरफेस ही है, बट ये क्लोज सरफेस है और ये हमारा ओपन सरफेस है। ठीक है, ओके। और अगला हमारा अगला ऑब्जेक्ट है मेस। हाँ सॉरी, मेस तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पॉइंट, कर्व, कर्व लाइन, पॉली लाइन, सरफेस, ट्रिम सरफेस, ओपन क्लोज सरफेस और पॉली सरफेस एंड मेस पॉली सरफेस। अगला हमारा है एक्सट्रूजन पॉली सरफेस। इसमें हम कोई भी 2D बनाकर उसको सॉलिड करते हैं, उसमें थिकनेस देते हैं, तब उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन सरफेस। मतलब मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ। ये मैंने एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब मैं इसको करता हूँ सॉलिड। तो ये हमारा है एक्सट्रूजन पॉली सरफेस, क्योंकि हमने इसको एक्सट्रूड करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही बेसिक क्लास थी राइनो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, धन्यवाद।